आपको बता दें, पूरा मामला विकासखंड इस्ला नगर के किसेरा का आ रहा है, जहां गांव के लोगों ने प्रधान विकास के द्वारा गांव में कोई भी कार्य न कराने का इल्जाम लगाया है। आपको बताते चले कि गांव के चारों तरफ कच्चे रोड बने हुए हैं और उन पर एक एक फुट पानी भरा हुआ रहता है, जिसे गांव के लोगों को निकलने के लिए काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत गाँव के लोगों द्वारा काफी जगह की है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हूँ सचिन शर्मा, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। इस वक्त हम है गाँव किसेरा में, जो की इस्लामनगर ब्लॉक बिलसी तहसील में पड़ता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी कोई समस्या है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं, पूछते हैं क्या समस्या है इनकी और पूछेंगे क्या परेशानी है इनके लिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? राहुल मीना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किसेरा। क्या समस्या है आपकी? जी हमारी सड़कों पर इसको पानी भरा रहता है, इधर से उन्होंने नाला करके सड़क पर पानी दे रखा है और इधर भी ये पूरी सड़क पर दे रखा है। ये पानी कहाँ से आया? ये पानी ये बीच गांव में से आ रहा है। अच्छा, पूरे गांव का पानी इधर ही आ रहा है? हाँ, बीच गांव में से। हाँ, आधे गांव का लगभग पानी इधर ही आ रहा है। इधर कोई तालाब वगैरह नहीं है? इधर तालाब तो इधर भी है, पर ये घुमा के ला रहा है, इधर से उधर भी निकल जाएगा पानी तो। घर पर इन्होंने यहाँ पे आकर रोक दिया, हमारी सड़क को भरा रहता है बस। किसी तालाब में नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, खाली भाई सड़क को देती है। जी आपकी भी यही समस्या है? जी सर, यही समस्या। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? नहीं, हम प्रधान से भी की और वो सुनता नहीं है, वो कहता है। क्या नाम है प्रधान जी का? विकास प्रधान। विकास, उनसे आपने क्या कहा? ये कह रास्ता में परेशानी, लोगों को दिक्कत पड़ती है निकलने की। तो ये आप लोगों की आम रास्ता है? जी हाँ, आम रास्ता है, कहीं से भी निकलने नहीं, नहीं, नहीं। जी बाबा, क्या नाम है आपका? नाम चिरंजी लाल है। चिरंजी लाल है आपका नाम। तो आपने इसकी शिकायत प्रधान जी से कही थी कि यहाँ पानी भरा रहता है? प्रधान जी से कहे, कोई सुनते ही ना, अपनी काम डाले रहे ना काम। अच्छा, कोई सुनता नहीं है? ना सुन लो कोई। अच्छा, तो आप लोगों को निकलने में काफी दिक्कत होती है? जो ये अंधेरे में तो गिर पड़ते हैं, तो लेकर चले जाओ बीज बाज के। अच्छा, लगभग ये समस्या कितने दिन से आ रही है? पंद्रह बीस दिन पहले से पानी भरे रहे थे, जो रूड़ा डाल के और ज्यादा है गई। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश मीना है। जी सर, ये रास्ता काफी समय से है, 15-20 दिन से नहीं है, काफी समय से पानी भरा रहता है। हम भी पढ़ने जाते हैं साइकिल लेके, कैसे निकल जाए? छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, भी गिर जाते हैं। अभी तो ये अध्ये पड़ गए इसमें। चलो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है, और आजकल आप देख सकते हैं क्योंकि अगर पानी भरा रहेगा तो मच्छर भी उत्पन्न होंगे, मच्छर होंगे, देखो बीमारी फैलेगी, क्या फायदा इसे? देखो इधर कोई, इधर ये रास्ता है, उधर का वो तालाब पानी नहीं आ रहा है, वो हमारा इसका पानी की व्यवस्था इधर है, ये तालाब है, कोई खुदवाई नहीं रहा है, कुछ नहीं, सब ऐसे ही तालाब जम गए हाल ही, तो पता क्या हुई। यहाँ पर, यहाँ पास में तालाब कहाँ पर है? दूर है, पास में ही कहीं दूर है। जी ये और भी भाई लोग हैं, उनके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या समस्या है इनकी। सारे लोगों की यही समस्या है पानी की। जी पानी की सड़क ऊंची होनी चाहिए जी। अच्छा, और पानी ऐसा है, पहले से इनका ये पानी जो है उधर एक तालाब है। अच्छा, उसमें जाता था, अब उस तालाब के चारों तरफ मकान बन गए। अच्छा, प्लाटिंग हो गई। अच्छा, तो वो पानी वहाँ का इधर नाला बना के इधर को कर दिया है। सारे गांव का नहीं, मतलब है आधे गांव का इधर का। जब भी हमारे यहाँ से, आप लोगों का पहले पानी किधर जाता था? हमारा उधर को जाता है, ये इनका पल्लम पर जाता है, हमारा नहीं जाता, हमारा तो इधर को जाता है उस तालाब। अच्छा, आपका उधर जाता है, जो पानी उधर उस साइड में जा रहा था वो साइड में आ रहा है? हाँ, वो आ रहा है इधर के लिए। ये कब से? ये तो 2-3 साल तो हो गई, ये नाला बनाया जब से, ये सड़क नीचे हो गई टूट टूट का, फिर इसमें भर गया, अब ये प्रधान जी ने ये रोड़ा डलवा दिए इसमें। अच्छा, तो ये कब थे? आपने सीसी वगैरह की मांग नहीं की थी कि सीसी डलवा के कहीं? तो अब उन्होंने कह रहे कि बनेगी भी, धीरे धीरे बिल्ला दिन है उन्होंने जी 8-10 दिन की कह के बस गोल कर देते हैं बात को। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है, खाली आपको सांत्वना देते हैं कि ये काम हो जाएगा, मतलब गांव के लोग मीटिंग करें तो दिलासा दिया जाएगा, 8-10 दिन बाद हो जाएगी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। ये अद्दे भी हम अपने पैसे से लेने गए, उसके बाद वो कह रहा चल मैं ही बढ़वा दूंगा। पैसे आपने खन्ना वो तो हमने उसी ने दिए, हम गए थे वो हट्टे पहुंच गए जी। बोले तुमको डरवा, हम डरवाएंगे, तो उन्होंने रावे से नहीं डरा, रोरा डरवा दे जा, रोरा तो बहुत ज्यादा डल फल बहुत बड़ी परेशानी है। तो आपकी अगर यही समस्या, अगर इसे सीसी डलवा दी जाए तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? लेकिन सब एक समस्या है कि ये पानी इधर का उधर जाए। अच्छा, ये जगह है, ये हम सामने देख रहे हैं, ये जगह किसकी है? ग्राम सभा की जगह? नहीं नहीं नहीं, ग्राम सभा की ये है सब, ये ग्राम सभा की, ये तो दूसरे का खेत है, ये आपका। अब इन्होंने ये पहले से डाल रखा है, तो इसमें तो जो पानी जा रहा है, जब तक रोक दिया कोई, कैसे अपनी जगह में पानी जा पानी के लिए प्रॉपर व्यवस्था तो की जाए कहीं ना कहीं से, कोई तो व्यवस्था नहीं है पानी की। चलो अब चल के प्रधान जी से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे इन लोगों की समस्या के बारे में। ठीक है, गांव की स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के द्वारा,
कितना पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या इनकी समस्या है और क्या इनका कहना है इस बारे में। जी आगे आइए भैया, जरा मैं पानी में नहीं आ सकता, आप आगे आ जाइए। अरे मेरे पैसे, मुझे सलाह हुए हैं तो आप देख सकते हैं। जी भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओमपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम किसरा बदुल्ला नगर। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपके लिए? समस्या भी यही रही है, कितने घर जल में डूबे हुए हैं घर। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? इसी मोहल्ले का आ रहा है पानी, मतलब इसी मोहल्ले का है और भी किसी जगह का है ना? और किसी जगह का नहीं है। तो इस पानी के निकलने के लिए कहीं कोई तालाब वगैरह कोई? यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है तालाब निकलने के लिए, यहाँ तालाब नहीं है कोई यहाँ आसपास। ये ग्राम सभा की जगह है, उसमें को तालाब के लिए कह रहे हैं निकलवा, नाला निकलवाने के लिए। वो भी प्रधान यहाँ के सुधाई ले रहे हैं आज और आजकल कर रहे हैं। यहाँ से लमसम में 1.5 महीना हो चुका है सर। कब शिकायत की थी आपने प्रधान जी? प्रधान जी तो डेली फोन भी किया है और वैसे भी देखते हैं आते हैं, डेली शिकायत हो रही है कि देखो आके बहुत बोल सुनते हैं। अरे कि हाँ बनवाएंगे नाला का, आप घूरा खाली करो। मान एक का घूरा कौन सा, ये 150 लोगों का प्रधान का काम है। उड़िए सामने भाई साहब, बैक साइड में ये। अच्छा ये हाँ, कहना चाहेंगे जरा हमारे कैमरा से? सभी घूरों के सिर लगे हुए हैं इसमें, कितने लोगों के घूर हैं? वो लमसम में होंगे 70-80 लोगों के। यही जगह है, मतलब कितनी जगह है वो? लमसम 2.25 के आसपास है। अंदर बाहर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मुकेश मौर्य। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ प्रधान जी ने ये भी कह दिया है कि मेरी 2 साल और रह गई है। अच्छा। या निकलना है पानी, निकल दो। एक प्रधान और भी था सुराई का, के पी मौर्य, उनने भी ये किया था। प्रधान को छोड़िए, आप अपने गांव के प्रधान के बारे में। गांव को जी तो है तो एक ही बात, प्रधान प्रधान एक ही होते हैं। तो गांव वालों ने ये भी किया, वीडियो है मेरे छोरे, वीडियो भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो नहीं प्रधान ने किया, 2 साल मेरी और रह गई है। ये मौर्य लोग हैं, निकलन दो सालों, सालों और सालों के बाद और भी कहता। आप कौन है मौर्य?